हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम करेंगे आपकी क्लास सेकंड की 29 वर्कशीट। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको बच्चों अपना नेम लिखना है एंड डेट लिखनी है। यहाँ पर हमारा लर्निंग एरिया है रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चों हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने एडजेक्टिव सीखे थे, ठीक है? तो आपको नीचे बॉक्स में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उनको सही जो आंसर होगा उसको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो बच्चों फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, होता है बच्चों विशेषण, किसी चीज की विशेषता, ठीक है? फर्स्ट है हमारा लेमन्स आर, नींबू कैसे होते हैं? बीटर, सोर या स्वीट? तो बच्चों नींबू होते हैं सोर, ठीक है? तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? SOUR सो। अब बच्चों शिप सेल ऑन, शिप किस पर चलती है? समुद्र में चलती है ना, तो यहां पर आएगा बच्चों सी। सी का मतलब होता है समुद्र, क्योंकि शिप जो पानी वाला जहाज होता है उसको शिप कहते हैं, और ये चलता है बच्चों सी में, ठीक है? लैंड होती है जमीन पर, नहीं चलेगा पानी वाला जहाज, ना एयर में चलेगा, तो ये बच्चों आपको सी लिखना है यहाँ पर, ठीक है? थर्ड है द वाइंड ब्लो, हवा कैसे चलती है? लॉन्ग या फास्ट? लॉन्ग का मतलब लंबी होता है, फास्ट में तेज होता है, तो यहाँ आएगा बच्चों फास्ट, हवा तेज चलती है। अब बच्चों फोर्थ था अ कैमल हैज टेल, कैमल की टेल कैसी होती है? ऊंट की टेल होती है बच्चों शॉर्ट, छोटी सी होती है, ठीक है? तो यहां पर आएगा SHORT शॉर्ट। नेक्स्ट है बच्चों द हॉर्स रन्स, घोड़ा कैसे दौड़ता है? स्लो या फास्ट? स्लो का मतलब धीरे होता है, लेकिन घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है, यानी फास्ट। तो ये बच्चों इसकी एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषता है। दिल्ली इज अ, दिल्ली कैसा सिटी है, स्मॉल या बिग? दिल्ली बच्चों बिग सिटी है, ठीक है, दिल्ली इज अ बिग सिटी। नेक्स्ट है बच्चों कॉटन इज, रुई कैसी होती है बच्चों? सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है? आप रुई को दबाते हो तो दब जाती है ना, वो होती है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब कोमल, ठीक है, कॉटन इज सॉफ्ट। अब बच्चों नेक्स्ट है अ बॉल इज इन शेप, बॉल बच्चों शेप में कैसी होती है, ट्राइंगल या राउंड? बच्चों बॉल होती है राउंड, राउंड कैसी होती है? राउंड, राउंड RUND, राउंड इन शेप। तो बच्चों आप आज आपने एडजेक्टिव को ढूंढा और फिल भी किया लाइन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।